यूपी के बुलंदशहर में एक पालतू मछली चर्चा का विषय बनी हुई है। दावा किया जा रहा है कि ऑस्कर प्रजाति की इस मछली की स्किन के ऊपर अल्लाह और मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि ये मछली हिंदू व्यापारी के यहाँ एक्वेरियम में पल रही है। बताया जाता है कि पिछले 10 साल से हिंदू व्यापारी मछली पालता आ रहा है, जबकि 3 साल पहले ये व्यापारी ऑस्कर प्रजाति की मछली खरीद कर लाया था। वहीं ये मछली उस वक्त चर्चा में आई जब हिंदू व्यापारी के यहाँ खरीदारी करने पहुंचे एक मुस्लिम शख्स की नजर इस मछली पर पड़ी। व्यापारी का दावा है कि मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग इस मछली की कीमत 3 लाख रुपए तक लगा चुके हैं। हालांकि अभी तक व्यापारी इस मछली को बेचने को तैयार नहीं है। वहीं मछली पर अल्लाह और मोहम्मद का नाम लिखे होने की खबर जैसे ही शहर में फैली तो उसके बाद व्यापारी के यहाँ मछली देखने पहुंच रहे लोगों का तांता लगा हुआ है। मेरा नाम अंकुर सिंगल है, मैं लगभग 10 साल से मछलियाँ पालता हूँ और पहले मेरे पे छोटा एक्वेरियम था और लगभग 2-3 साल से मैंने काफ़ी बड़ा एक्वेरियम भी बनवाया था। सभी 3-4 तरह की मछलियाँ मेरे पास हैं, लेकिन अभी जल्दी में मुझे पता पड़ा कि एक मछली जो है इस पे एक तरफ अल्लाह लिखा हुआ है और एक तरफ मोहम्मद लिखा हुआ है। ये एक मुस्लिम थे, उन्होंने बताया थे उर्दू भाषा में इस पे अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है और उसके बाद निरंतर मेरे पास इसकी डिमांड आ रही है, क्योंकि तो बताया जाता है कि ये उनके लिए शुभ है। जब उनके लिए शुभ है तो क्यों ना मैं इसे अपने पास ही रखूँ और मैं इसे बेचना नहीं चाहता। एक दिल्ली से थे, उन्होंने जो है इस पे 3 लाख रुपए लगाए, उसके बाद एक और थे, उन्होंने 3.5 लाख रुपए इसके लगाए। आप इसको बेचना नहीं चाहते? मैं इसे बेचना। टाइम 24 न्यूज़ के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।